सो व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल है सब गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एम ट्रांसफर के। सो गाइस मान लीजिए सामने से दो बंदे आ रहे हैं। सो गाइस जिस बंदे को एम ट्रांसफर नहीं होगा ना, वो क्या करेगा, एक बंदे को नॉक करेगा, उसके बाद गन को रिलोड करेगा, उसके बाद दूसरे बंदे पर एम लगाएगा। सो गाइस इसकी जगह पर क्या होना चाहिए कि एक बंदे को नॉक किया, ऑटोमेटिकली आपका एम दूसरे बंदे पर जाना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो बस इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो गाइस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए तो शुरू करते हैं। सो गाइस पहले तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, सिंपली इस लोकेशन में आ जाना है। इस लोकेशन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के आपको टारगेट दिखेंगे काफ़ी सारे, तो आपको क्या करना है, इन सबको गिराना है एक ही स्प्रे में। तो यहाँ पर आपको मतलब कि गन को सेक करते हुए नहीं गिराना है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ पर बैठ के एम लगा के इजिली यहाँ पर एक एक को गिराना है। तो यहाँ पर एक रह जाता है तो हम इसको बाद में गिरा लेते हैं। तो आपको इस तरीके से मतलब कि ट्राई करना है बार बार। सो गाइस जिससे क्या होगा कि आपके रिफ्लेक्स थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, और मतलब कि अचानक से कोई बंदा आपके सामने आ गया और आप सिंपली फायरिंग करके उसके ऊपर एम लगा के उसको इजीली यहाँ पर मार भी सकते हो। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट हिल की ओर। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है, आपको अपने टारगेट को बार बार स्विच करना है। यहाँ पर मैं एक टारगेट को इसी पर सेलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे टारगेट पर एम कर लेता हूँ। तो जिससे क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा बंदा होगा ना, तो आप इजीली मतलब कि एक बंदे को नॉक करके दूसरे बंदे पे सिंपली यहाँ पर एम लगा पाओगे। तो यहाँ पर मैं रैंडमली किसी भी टारगेट पे मतलब शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने एम को बार बार लगातार चेंज कर रहा हूँ। सो गाइस ऐसे आपको बार बार करते रहना है। सो गाइस थर्ड चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, आपको इस टाइप के मतलब काफ़ी सारे बोर्ड सीख जाएंगे यहाँ पर। तो अब क्या करना है कि आपको हेड पर फायरिंग करते हुए अपने टारगेट को स्विच करते रहना है। तो गाइस ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। सो गाइस शुरू में तो आपसे अच्छा नहीं होगा, फिर आप मतलब धीरे धीरे करते रहोगे ना तो आपसे मतलब कि अच्छे से होने लग जाएगा ये। सो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर अपने रिफ्लेक्स दिखाना है। तो इस तरीके से आपको मतलब कि जल्दी जल्दी टारगेट में मतलब ले जाना है सब पे। सो गाइस इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपके मतलब कि रिफ्लेक्स अच्छे हो जाएंगे और आपके यहाँ पर एमिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप मतलब नॉर्मल अरेना मैच खेलते हो, अगर बंदा कंटेनर से पिक करता है तो आप उसको इजीली हेडशॉट देके भी मार पाओगे। तो गाइस अगर आप नॉर्मल क्लासिक मैच भी खेलते हो ना, तो आपकी उसमें भी काफ़ी अच्छी एमिंग हो जाएगी और आप 3 से 4 बंदों को मतलब एक स्प्रे में ले जा पाओगे इजीली। सो गाइस आज की वीडियो बस यही दिखी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।